सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आज मेरा ये वीडियो वास्तु पर है। वास्तु का पहला पार्ट मैंने डाल दिया है और ये दूसरा पार्ट है। हर गृहिणी की जिम्मेदारी समझो या उसकी इच्छा समझो या उसका उसके विचार समझो। तो हर गृहिणी ऐसा चाहती है कि अपना घर तरक्की करे, अपने घर के हर सदस्यों की हेल्थ अच्छी रहे, वो आनंद में रहे, बच्चे अभ्यास में प्रगति करे, या बच्चे बड़े हैं तो नौकरी मिले, या लड़की है तो अच्छा ससुराल मिले, तो पति है तो उसको धंधा व्यवसाय में तरक्की हो। तो ये सब हर गृहिणी चाहती है। और घर के काम, बच्चों की देखभाल, पति की देखभाल, इसके अलावा भी वो घर की सुख शांति के लिए, घर की समृद्धि के लिए व्रत करती है, अनुष्ठान करती है। ये सब वो अपने घर की तरक्की के लिए करती है। लेकिन कुछ छोटे मोटे बातें वास्तु की अगर जान ले तो उसके हिसाब से किचन में कुछ अरेंज करे तो उसे इस वास्तु की पॉजिटिव इफेक्ट मिलती जाएगी। वैसे तो हर चीज एक एनर्जी देता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो सीधा वॉशरूम में जाता है, तो वॉशरूम में ज्यादा एनर्जी मिलती है, और किचन में, क्योंकि गृहिणी ज्यादातर किचन में रहती है और किचन ही हमारा धन धान्य से भरपूर होता है। अगर किचन धन धान्य से भरपूर है तो वहां एनर्जी भी ज्यादा होगी। गृहिणी अपनी एनर्जी भी वहां ज्यादा खर्च करती है और एनर्जी भी वहां ज्यादा मिलती है। तो वैसे तो हर चीज हमें एनर्जी देती है। जैसे घर में कचरा पड़ता होता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता दिखने में, क्योंकि वहां से नेगेटिव एनर्जी आती है। अगर घर में पेड़ पौधे हो, आसपास बालकनी में पेड़ पौधे हैं, तो हमें देखने में अच्छे लगते हैं, तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो वहां बैठने से एक सुकून मिलता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में हम जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। नदी किनारा हो, पर्वत हो, बाग बगीचा हो, वहां जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो ये चीजें हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसी तरह घर में भी हम अपने घर की ही चीजों का अरेंज कुछ करें तो आपको इसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती जाएगी। अब पॉजिटिव एनर्जी के लिए करें क्या? तो घर में तीन ग्रह, कोई भी घर के तीन ग्रह, चंद्र, गुरु और शुक्र, ये तीन ग्रह है जो मजबूत होने चाहिए। क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, सुख देता है, समृद्धि देता है, शुक्र संबंध अच्छे करता है, फिर लग्जरियस लाइफ देता है, समृद्धि देता है, और चंद्र हमारा मानसिक आनंद, मेंटली हम अच्छे रहते हैं, मानसिक तनाव कम होता है, गुस्सा कम होता है, घर के हर सदस्यों में आपस में प्यार रहता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, तो ये संबंध हमारे अच्छे रहते हैं। हम ये सब मिलके अगर ये तीन ग्रह हमें अपने घर के मजबूत करें तो हमारा घर का वास्तु बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और घर की ही चीजों को आपको कुछ अरेंज करके रखना है, और ऐसा करने से हमारे घर में तरक्की, समृद्धि, प्रेम, आपस में आनंद, आपस में प्यार, ये सब आएगा, आप महसूस करोगे। कई घरों में पैसे बहुत होते हैं लेकिन आपस में सतत लड़ते रहते हैं क्योंकि उसका चंद्र खराब होता है। कई घरों में आपस में प्यार होता है लेकिन पैसा नहीं होता क्योंकि वहां का शुक्र खराब है। अगर शुक्र भी अच्छा है और पैसा भी है लेकिन हेल्थ किसी की अच्छी नहीं है तो गुरु है वहां। किसी का अभ्यास में अभ्यास ठीक नहीं चल रहा तो ये गुरु है। तो हमारे कोई भी घर की तरक्की के लिए, और तरक्की क्या है, तो ये अकेली समृद्धि नहीं होती, समृद्धि भी होती है, बच्चे अच्छा अभ्यास करके अच्छी करियर लेते हैं, धंधा व्यवसाय में पति को आगे बढ़ते हैं, और घर के सदस्यों की हेल्थ अच्छी रहती है, उसके आसपास के संबंध अच्छे रहते हैं, शुभ प्रसंग बने रहते हैं और अच्छे संबंध बने रहते हैं। तो ये तीन ग्रह को हम मजबूत कैसे करें, तो आइए कुछ घर की ही चीजों से हम इसे कैसे अरेंज करना है वो हम देख ले। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि वो क्या है। अगर गृहिणी ये चाहती है कि उसका घर धन धान्य समृद्धि से भरपूर रहे तो अपने किचन के कोने में, यानी कोई भी ऐसा कोना ले ले, ऐसे कोने में या ऐसे कोने के जहाँ ज़्यादा कोई किसी की आना जाना ना हो, तो ऐसे कोने में आप साबुत नमक ऐसा छोड़ दीजिए। ऐसे किचन के चारे कोने में ऐसा साबुत नमक ऐसा लीजिए, या तो सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं, तो ऐसा सेंधा नमक या तो साबुत नमक ऐसा आप छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपके किचन में या घर में धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा, और बहुत नहीं लेकिन थोड़े बहुत समय में उसका फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे कोने वाली जो जगह है वहाँ आप साबुत नमक छोड़ दीजिए। ऐसे साबुत नमक छोड़ने से
आपके किचन की नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। हर जगह ऐसे चार कोनों में ऐसे जितने हो सके उतने दो दो चार नमक के गड्ढे आप छोड़ दीजिए और हर 15 दिन के बाद उसे पानी में बहा दीजिए। 15 दिन के बाद आप नए रखिए और ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपके घर के काफ़ी प्रश्न, बीमारी के, नुकसान के, आकस्मिक खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की रुकावट के, ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे हल हो जाएगी और वो आप महसूस कर पाएंगे। सबसे पहले हर गृहिणी को पूरा वास्तु ना जाने तो कोई बात नहीं है, लेकिन सब नहीं जान सकते, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी रखे और उसके मुताबिक अपने किचन में कुछ अरेंज करे तो थोड़े बहुत समय में उसके फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। सबसे पहले आप अपने किचन कोई भी दिशा में हो, किचन भले ही उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कोई भी दिशा में हो, लेकिन अपने किचन की ईशान दिशा ढूंढिए। ईशान दिशा यानी पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, और इसे ढूंढिए और उसे ढूंढने के बाद आप साबुत हल्दी ले लीजिए। अब साबुत हल्दी को एक कांच के जार में डाल दीजिए। इस हल्दी का आपको कभी भी यूज नहीं करना है, बस इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब ऐसे ढक्कन बंद करने के बाद आपके किचन की ईशान दिशा में रख दीजिए। मेरी ईशान दिशा इधर है तो मैंने रख दिया है। ऐसा करने से थोड़े ही समय में आपके जो किचन का गुरु ग्रह है वो मजबूत होगा, धीरे धीरे उसको मजबूत होगा और आपके किचन में समृद्धि धन धान्य से भरपूर आपको महसूस होगा। तो हर गृहिणी ये कार्य करे और अपने घर में खुशहाली समृद्धि आसानी से पाए। स्वस्तिक हर धर्म में शुभ माना गया है, ये सबको पता है, इसीलिए हम शुभ प्रसंगों पर स्वस्तिक उचित जगह पर करते हैं, लेकिन वह कंकु से करते हैं। हमारे घर की चौकट पर भी हम स्वस्तिक कंकु से करते हैं, लेकिन अब आप ये स्वस्तिक हल्दी या तो केसर से करें तो उसमें शुभता ज़्यादा बढ़ती है। ये घर में गुरु ग्रह की ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे घर में शुभ प्रसंगों की बौछार रहती है, आकस्मिक खर्च, बीमारी, ऋण, कलेश, अशांति, चिंता, तनाव, ऐसी तकलीफों से छुटकारा मिलता है। या तो हल्दी या केसर से स्वस्तिक करने से हमारे घर का गुरु ग्रह मजबूत होता है और हमें शुभता प्रदान करता है। तो हल्दी या केसर से हमें स्वस्तिक करना चाहिए और हमारे गुरु ग्रह की, हमारे घर के गुरु ग्रह की मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह ही हमें काफ़ी अनिष्टों से बचाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमारा बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट वो पश्चिम में होना चाहिए, मेरा भी नहीं है, तो उसका उपाय क्या है? तो आप ऐसा एक क्रिस्टल का बाउल ले लीजिए, छोटा वाला, और इसमें नमक, साबुत नमक 2 या 3, या नमक नहीं है तो आप कपूर की गोटी भी अंदर रख सकते हो, या नमक ले लीजिए या कपूर, और अगर नमक लेते हैं तो आप उसे पानी में डाल दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। एक वीक में एक बार ये पानी आप बदल दीजिए, वीक में एक बार बदलने के बाद नया पानी ले लीजिए, और ऐसा करने से हमारा वास्तु दोष, जो हमारा जो टॉयलेट पूर्व है, उत्तर या दक्षिण में है, तो उसका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा और उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर आपके पास साबुत नमक नहीं है तो आप कपूर की गोटी भी ले सकते हो और ऐसे क्रिस्टल में आप रख सकते हो, लेकिन पानी नहीं डालना है, पानी आपको नमक की जो गांठ ले तभी डालना है, वरना आप गोटी ले कपूर की तो सीधा ही रखना है, लेकिन बाउल आपका क्रिस्टल का होना चाहिए। आपस में मनमुटाव, गुस्सा, तनाव, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, अरे घर घर के सभ्य में ये होता है तो घर का संप चला जाता है, और जिस घर का संप चला जाता है वहाँ समृद्धि टिकती नहीं है, वहाँ खुशहाली नहीं टिकती, वहाँ त्योहार नहीं आते, वहाँ प्रसंग नहीं आते। तो हर गृहिणी को एक चीज़ वीक में 2 बार अवश्य करनी है, इसी से गुस्सा, तनाव, आपस में लड़ना झगड़ना ये सब नहीं रहेगा, और अंदर मगज में, मन में, हमारे मन में जो उदासी रहती है, निराशा रहती है, हताशा रहती है, वो भी चली जाती है। तो वीक में 2 बार या रोज हो सके तो अच्छा बात है, लेकिन अगर हमें, हमारे पास रोज टाइम नहीं है तो वीक में 2 बार ये काम हम जरूर कर सकते हैं। तो वीक में 2 बार आपका घर जितना बड़ा है उसके हिसाब से एक बाल्टी में पानी लीजिए, ये मैंने आधी बाल्टी पानी ली है, और इसमें ये 3 साबुत नमक की गांठे है, आपको 3 या 4 जो भी है आपका पानी जितना है उसके हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। अब इसी पानी से आपको पोछा लगाना है, आपके घर का जो पोछा है वो इसी से होना चाहिए, इसी से होगा तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी, आपके घर में बीमारी, हताशा, निराशा,
जो चिड़चिड़ापन बच्चों में आजकल बहुत दिखने को मिलता है, गुस्सा, ये सब नहीं रहेगा। और गृहिणी को भी एक मानसिक तनाव तनाव रहता है, मानसिक तनाव रहता है, और ये तनाव भी उसे नहीं रहेगा। एक कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी ना हो तो भी हमारा मन उदास रहता है, तो ये आप जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड नहीं होता, थकान रहती है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। अगर हमारे घर में कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी स्टोर है और वो स्टोर एनर्जी हमें हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स देती है, नेगेटिव इफेक्ट्स देती है, जो हमारे बॉडी को, हमारे मन को, हमारी सोच को इफेक्ट करती है, तो वीक में दो बार या तो हो सके तो रोज, अगर आपके घर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रोज ये करिए, आप थोड़ा पानी आधा बाल्टी के जितना हो सके उतना पानी लीजिए और इसमें ऐसी साबुत नमक डाल के पोछा लगाइए। धीरे 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 आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपको जो मानसिक तनाव रहता होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो बस इतना सा आप करिए और आपकी खुशहाल भरी लाइफ पाइए। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ही चेंज करना होता है लेकिन हमें पता नहीं होता, तो अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करके अपने जीवन में खुशहाल भरी लाइफ ला सकते हैं, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, घर की ही चीज़ों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।